आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस पर देश भर से उत्साह और उमंग सेलिब्रेट युवाओं की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इसी दिन पत्रार्थों की तस्वीर देख आप कहेंगे कि देशभक्ति दिखाने का यह कार्य हुड़दंग और अनुशासन विहीन है। हुआ यूं कि कुछ युवा बाइकर्स अपनी बाइक पर तीन तीन लोड बैठाकर बाइक का साइलेंसर बाहर निकालकर ध्वनि प्रदूषण के चरम तक पहुंचकर रफ्तार के सौदागर बने फिर रहे थे। आलम यह था कि पूरे पत्रातु घाटी से लेकर मां पंचमहिनी मंदिर तक गाड़ियों का काफिला रुक सा गया था। लोगों को पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी और ये नौजवान नशे में धुत मानो कोहरा मचाने के लिए घर से निकले थे। आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। बस हाथ में तिरंगा लेकर ऐसे हुड़दंग मचा रहे थे मानो देशभक्ति के ठेकेदार आज वही है। ऐसे में पत्रातु थाना प्रभारी गौतम कुमार ने अपने पुलिसी अंदाज में नौजवानों को कानून और यातायात दोनों के नियम बखूबी समझाए। वे स्वयं सारी गतिविधियों पर नजर रखते हुए ट्रैफिक को क्लियर कराने का दिन भर का प्रयास करते रहे और लोगों को हर अंदाज में समझाने का प्रयास करते नजर आए। यह पुलिस के जवानों की मुस्तैदी ही थी जो ऐसे नौजवानों को सबक सिखाकर शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पत्रातु क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने का माहौल बनाया। पत्रातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। आज 15 अगस्त का ये पावन पर्व है और स्टूडेंट बच्चे बड़ा उत्साहित हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ जुलूस निकाले हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी समस्या है, बट हम लोग मुस्तैद हैं और काफ़ी कंट्रोल में हम लोग का है। हम लोग का पुलिस कप्तान साहब के यहाँ से अलग से फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है और काफ़ी अच्छे से बच्चे स्टंट वगैरह कर रहे थे, बट अभी सब कुछ कंट्रोल में है, सब इंजॉय कर रहे हैं। स्टंट को हम लोगों ने बंद करवाया है, जो बच्चे आराम से एंजॉय कर रहे हैं आज 15 अगस्त को, तो उसके साथ हम लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर।